नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने आज देशव्यापी चक्का जाम की घोषणा की। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले शांतिपूर्ण तरीके से 3 घंटे के लिए राष्ट्रीय और राज्य मार्गों को बंद रखा जाएगा। किसानों ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में यह चक्का जाम नहीं होगा। तय कार्यक्रम के मुताबिक चक्का जाम शनिवार दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच होगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों को किसी भी समय दिल्ली बुलाया जा सकता है। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान जिस तरह हिंसा हुई उसे ध्यान में रखकर दिल्ली पुलिस अब किसान नेताओं के किसी भी दावे पर यकीन नहीं कर रही है। किसानों ने 6 फरवरी को चक्का जाम की घोषणा की। दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच होने वाले इस चक्का जाम के पहले ही एहतियातन दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशन को बंद कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पहले से ही अलर्ट पर था। दिल्ली पुलिस को भी शनिवार के दिन हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश मिला है। जिन मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है उनके नाम है मंडी हाउस, ITO, दिल्ली गेट, विश्वविद्यालय, लाल किला, जामा मस्जिद, जनपद, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, खान मार्केट और नेहरू प्लेस। जिन बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन कर रहे हैं वहां पहले से ही पुलिस ने सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी है और इन बॉर्डर्स को पूरी तरह सील कर दिया गया है। आज बाकी बॉर्डर्स पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी और हर आने जाने वाले व्यक्ति की चेकिंग होगी। संदिग्ध लोगों की शहर में एंट्री को भी रोका जा सकता है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलनकारी किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वे पीएम मोदी के न्योते का इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पिछले दिनों सर्वदलीय बैठक में कहा था कि उनकी सरकार किसानों से बातचीत के लिए बस एक फोन कॉल पर दूर है। पीएम मोदी ने कहा था कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को किसान नेता जब चाहे तब फोन कर लें और बातचीत शुरू कर दें। इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि पीएम मोदी अपना नंबर उन्हें दे दें ताकि वे फोन कर सकें। टिकैत दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। पीएम मोदी ने गुजरात हाईकोर्ट की स्थापना के 61 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट ने जिस सत्य निष्ठा से काम किया उससे भारतीय न्याय व्यवस्था और लोकतंत्र दोनों को ही मजबूती मिली है। हमारे संविधान में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उनको दी गई जिम्मेदारी हमारे संविधान के लिए प्राणवायु की तरह है। आज हर देशवासी पूरे संतोष से ये कह सकता है कि हमारी जुडिशरी ने, न्यायपालिका ने संविधान की प्राणवायु की सुरक्षा का अपना दायित्व पूरी दृढ़ता से निभाया। हमारी जुडिशरी ने हमेशा संविधान की रचनात्मक और सकारात्मक व्याख्या करके खुद संविधान को भी मजबूत किया है। देशवासियों के अधिकारों की रक्षा हो, निजी स्वतंत्रता का प्रश्न हो, ऐसी परिस्थितियां रही हो जब देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी हो, जुडिशरी ने अपने इन दायित्वों को समझा भी है और निभाया भी है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में गिरावट और वृद्धि का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 11,713 नए मामले दर्ज किए गए। शुक्रवार के मुकाबले आज रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या में थोड़ी गिरावट जरूर आई। कल संक्रमण के 12,408 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर
1,04,00,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 11,713 नए मामले दर्ज किए गए। इस तरह देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,08,14,304 हो गई। वहीं इस दौरान कोरोना वायरस के चलते 95 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 1,48,590 हो गई।